اتقوا الله
والمشركين
ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما ليعذب ذات اقدس کا فرمان عالی شان ہے کہ جس مجلس میں اللہ کے پاک کلام کو بالترتیب مکمل کیا جائے وہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں. یہ بات تو سب نے سنی ہوئی ہے, لیکن اس کے ساتھ یہ تو سب نے سنی ہوئی ہے اس کے ساتھ یہ بھی ہے کہ جہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں وہاں یہ بھی ہوتا ہے کہ علاقہ بھر کی امن و سلامتی کی ضمانت دی جا سکتی ہے. اور قرآن پاک پڑھنے والے بھی شیخ ذوالقرنین جیسے اور شیخ جاوید جیسے, واہ 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 واہ, اللہ پاک کی ذات ان لوگوں کو دن چوگنی رات سو گنی ترقیات عطا کرے, اور اللہ تعالیٰ کی ذات ہم سب کو قرآن پاک سے وابستہ رکھے. یہ قرآن پاک کے ساتھ غلاف چمٹا ہوا ہے, غلاف چمٹا ہوا ہے تو اس کو کوئی بھی یہ نہیں کہتا کہ یہ کپڑا ہے. اگر قرآن پاک کے ساتھ غلاف چمٹا ہوا ہو اس کو کوئی کپڑا کہتا ہے؟ اس کو کوئی بھی نہیں کہتا, سب اس کو یہی کہتے ہیں کہ کیا ہے, غلاف ہے, یہ غلاف ہے. جب ہم قرآن پاک کے ساتھ اپنی نسبت کو ایسے جوڑ دیں گے جیسے غلاف چمٹا ہوا ہے, اس کی نسبت ہے, یہ نسبت ہی پہ فیصلے ہوتے ہیں. تیری نسبت ہی تو ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, تیری نسبت ہی تو ہے جس کی بدولت ہم لوگ کفر کے دور میں ایمان بچائے ہوئے ہیں. تیری نسبت ہی تو ہے جس کی بدولت ہم لوگ کفر کے دور میں ایمان بچائے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے نا؟ حاضر و ناظر و نور و بشر غیب کو چھوڑ, شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے ہیں. ایک جھلک اور دکھا گنبد خضرا کے مکین, ایک جھلک, سید کا کلام ہے, زور سے کہیں سبحان اللہ, ایک جھلک اور دکھا. نصیر الدین شاہ مرحوم گورڑوی کہتا ہے,
एक झलक और दिखा गुंबद खजरा के मकी, कुछ भी हैं दूर से दीदार को आए हुए, और जुर्म इसियां से सामने नहीं जाया जाता, ये भी क्या कम है तेरे शहर में आए हुए हैं। सुभान अल्लाह, जोर से। और कब्र की नींद से उठना कोई आसान न था। हमारे यहां के जान महफिल नकीब महफिल हाफिज मासूम साहब की नजर एक शेर करता हूं नसीरुद्दीन शाह साहब का, कि कब्र की नींद से उठना कोई आसान न था, हम तो महशर में उन्हें देखने आए हुए हैं। कब्र की नींद से उठना कोई आसान न था, हम तो महशर में उन्हें देखने आए हुए हैं। और नाम नाम लेने से, सुभान अल्लाह, जोर से, नाम लेने से अबू बकर उमर का लब पर, नाम आने से अबू बकर उमर का लब पर, तू बिगड़ता है वो पहलू में सुलाए हुए, तू बिगड़ता है। टिक गए, सुभान अल्लाह। नाम लेने से, नाम आने से अबू बकर उमर का लब पर, तू बिगड़ता है वो पहलू में सुलाए हुए, और क्यों ना पलड़ा तेरे आमाल का भारी हो नसीब। वाह 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 वाह, सैयद का बेटा क्या कहने, ठीक है ना। देखें, सब इख्तलाफात को भुला के जो बंदा अहले दिल है ना, उस पर हम इतना ही कह सकते हैं कि अहले दिल होते हैं कैसे, दिल लगा कर देखिए। सुभान अल्लाह, जोर से। अहले दिल होते हैं कैसे, दिल लगा कर देखिए। अरे बाबा, दूर से घबरा रहे हैं, पास आकर देखिए, ठीक है ना। क्यों ना पलड़ा तेरे आमाल का भारी हो नसीब, क्यों ना पलड़ा तेरे आमाल का भारी हो नसीब, अब तो सरकार भी मीजान पे आए हुए। क्यों ना पलड़ा तेरे आमाल का भारी हो नसीब, अब तो सरकार भी मीजान पे आए हुए हैं। मैं आपको यह बात कर रहा था कि निस्बत, निस्बत का निजाम जो है, जैसे कुरान पाक के साथ विलाफ को निस्बत है, तो बात क्या है, चुमीदा, चूमा जा रहा, हर वक्त बंदे उसको चूम रहे हैं। लेकिन सच ये है, वो खिलाफ को नहीं चूम रहे, वो तो अल्लाह के पाक कलाम को चूम रहे हैं। लेकिन खिलाफ के साथ, अपना कुरान पाक के साथ जब खिलाफ चिपटा हुआ है, तो ईमानदारी से बतलाना, बशर के बंदे के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात अक्दस के उम्मती के जो होंठ लगते हैं, वो कुरान पाक पे लगते हैं कि खिलाफ पे लगते हैं। अरे बाबा, खिलाफ पे लगते हैं, डरते क्यों हो, खिलाफ पे लगते हैं, क्यों, उसकी निस्बत सच्ची है, पक्की, ठीक है ना। अल्लाह ताला की जात हम सबको ऐसी निस्बत अता करे, ठीक है ना। अल्लाह ताला की जात हम सबको कुरान पाक से ऐसी निस्बत अता करे। यकीनन ये कबूलियत का टाइम है, अब कुरान पाक का खत्म होगा। दिल जमी इत्मीनान से अल्हम्दुलिल्लाह हम कुरान पाक, मैं आपको तरन्नुम से शेर सुना था लेकिन मेरा गला साथ नहीं दे रहा, चले तहत लफ्ज दो शेर मेरे और सुन ले, टिक के कहें सुभान अल्लाह। वो 1400 बरस पहले का किसने है समा देखा, जोर से सुभान अल्लाह। वो 1400 बरस पहले का किसने है समा देखा, न ऐसा कारवां देखा न मीरे कारवां देखा। वो 1400 बरस पहले का किसने है समा देखा, न ऐसा कारवां देखा न मीरे कारवां देखा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये एक मजलिस में जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात अक्दस का नाम नामी इसमें गर्मी है, तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर वक्त कहना वाजिब तो नहीं है लेकिन महरूमी है। ना हम वाजिब के तारिक होते हैं ना महरूमुल किस्मत होते हैं, हम तो अल्हम्दुलिल्लाह माला माल होना चाहते हैं। नबी तशरीफ फरमा है, सुभान अल्लाह, जोर से, नबी तशरीफ फरमा है, सहाबा साथ बैठे हैं,
नबी तशरीफ फरमा है, सहाबा साथ बैठे हैं, न फूले से न बागे सा न ऐसा बागबा देखा। नबी तशरीफ फरमा है, सहाबा साथ बैठे हैं, न फूल ऐसे न बागे सा न ऐसा बागबा देखा। और हासिल कलाम शेर खुलासा ठीक के कहें सुभान अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि हबीब ही मोहम्मद व आलिहि वसल्लम दुरूद शरीफ। اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد في اول كلامنا وصل على محمد في جميع اقوالنا الهي لا تبدل اسمي ولا تغير جسمي ولا تقصر قسمي ولا تفرق بيني وبين حبيبك محمد المصطفى صلى الله عليه واله وسلم। نبی تشریف فرما ہے صحابہ ساتھ بیٹھے ہیں نہ پھول ایسے نہ باغ ایسا نہ ایسا باغبان دیکھا اور نبی کے کہنے پر اللہ کو ہم نے مانا گیلا نہیں نبی کے کہنے پر आपने मैंने हम सब गुनाहगारों में अल्लाह ताला हमारे गुनाह माफ फरमा दे। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीला जमीला से आपने अल्लाह को जब माना है, मैंने जब अपने करीम रब को अल्हम्दुलिल्लाह वहदहु ला शरीक माना है तो नबी के कहने पर माना है ना। नबी के कहने पर अल्लाह को हमने माना गीला नहीं। किसी बंदे ने है अल्लाह को वरना कहां देखा। नबी नबी के कहने पर अल्लाह को हमने माना गीला नहीं। किसी बंदे ने है अल्लाह को वरना कहां देखा। आखिर में बस आपको दावत फिक्र इस शेर से दे के इजाजत चाहता हूं कि आब अंगूर से वजू कर लो दोस्तों, बायत सुबह कर लो, गुर सिखा देंगे बादशाही का हम फकीरों से गुफ्तगू कर लो। गुर सिखा देंगे बादशाही का हम फकीरों से गुफ्तगू कर लो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।